हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में, सीए इंटर की टीम के साथ में। मेरे साथ है सीए विनय राजौरिया सर, जो एडवांस अकाउंट के बारे में आपको 2.5 मंथ्स की स्ट्रेटजी बताएंगे। मेरे राइट में है सीएस विजय माखीजा सर, जो आपको लॉ के बारे में 2.5 मंथ्स में कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि अब इतना ही समय दोस्तों बाकी है। और मेरे साथ में है सीए विवेक मेहता सर, जो आपको टैक्स के बारे में कैसे, जो अब समय हमारे पास में 2.5 महीने का, वो स्ट्रैटेजी बताएंगे। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 2.5 मंथ्स इन सीए इंटर ग्रुप वन की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं विनय सर से। विनय सर बताएं, कैसे बच्चा पढ़ाई करे? थोड़ा सा टेंशन में है, समय कम है, क्या किया जाए? आप सब तो लोग सीए सीएस हो गए, पर अब वो बच्चे को बनवा दो सर, क्या किया जाए उसके लिए? बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है ये वीडियो, क्योंकि इसके बिना बच्चा अगर तैयारी खुद से करता है, जब हम लोग भी थे तो हम लोग भी हमारे टीचर्स के अकॉर्डिंगली चलते थे, बच्चों को भी ये होगा कि यार टीचर्स के अकॉर्डिंगली चला जाए। तो सबसे पहले तो बच्चों में ये बोलना चाहूंगा कि एडवांस अकाउंट से डरना नहीं है। वो बताया हमको कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट कर दिया है उन्होंने, दो दो सब्जेक्ट जो हुआ करते थे, अकाउंट और एडवांस अकाउंट, उनको मिला के एक कर एक दिया है। सब्जेक्ट तो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, बट फिर भी मैं बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि अगर एडवांस अकाउंट को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो एक एक्सपीरियंस बोलता है कि सबसे पहले वो टॉपिक उठाए जाएं जो सरल हैं और वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले तो छोटे छोटे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, सरल हैं, छोटे हैं और एग्जाम के अंदर पूछते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी एक स्टडी पूरी रखो कि भैया वो बहुत जल्दी से जल्दी खत्म करना है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हो गया, 22 हो गया, 26 हो गया, 19, 20 हो गए। दैट्स अ वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एक वेटेज रखते हैं एग्जाम के अंदर और इंस्टीट्यूट पूछता है, तो सबसे पहले इनको खत्म करने की कोशिश करना है। उसके बाद जब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थोड़े छोटे छोटे वाले कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद हम उन सब्जेक्ट पर आते हैं, उन टॉपिक्स पर आते हैं जो जनरली 14 मार्क्स, 6 नंबर और 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उन पे अपन कवरेज रख सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं तो रिकंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद अपना बायबैक हो गया, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से हमेशा इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछता है, तो इनको कवर अप में ले सकते हैं। इसके अलावा ब्रांच के अंदर भी हम, जैसे फॉरेन ब्रांच हो गया, डेटर सिस्टम हो गया, ये अपन पढ़े, क्योंकि जनरली ब्रांच पूरा इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है, छोटे छोटे से 6 नंबर से 8 नंबर में पूछ रहा है, तो एक ब्रांच बच्चों को ये लगता है यार बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक हम 1 महीना खत्म कर देंगे, 1.5 महीना खत्म कर देंगे, 8 दिन खत्म कर देंगे। ज्यादा बेटर है कि हमसे जो इंस्टीट्यूट पूछता है उस पर अपन कवरेज ले लें, जैसे फॉरेन ब्रांच हो गया, डेटा सिस्टम हो गया, फटाफट खत्म करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये अपने 3 टॉपिक्स कर लो। उसके बाद जो हमारे बड़े टॉपिक्स आते हैं, बड़े टॉपिक्स इन द सेंस इंस्टीट्यूट वेटेज अच्छा रखता है, टॉपिक बड़े हैं, बट जब हमारा इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उनका एक कॉन्फिडेंस देता है यार, बूस्टअप देता है कि यार हमारे चलो तीन ही टॉपिक बचे हैं। अब वो 3 टॉपिक बचे हैं, बट वो हमको पता है लेंदी है, बट उनको कवर अप करें। जैसे अमलगमेशन हो गया, अपना कंसोलिडेशन हो गया, और उसके अलावा अपना अमलगमेशन कंसोलिडेशन जो हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो कुछ एएस जो थोड़े से लेंदी वाले एएस हैं उनको कंप्लीट करें, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हो गया, 26 हो गया, ये सब एक साथ ही करना है, 10, 26, 28, जो असेट्स रिलेटेड एएस हैं इनको कवर अप करें, तो एक कंप्लीट सिलेबस हमको मिल जाता है 2.5 महीने के अंदर। अगर मैं इनको कंप्लीट करने का अपना टारगेट बनाऊं तो मेरे को 2.5 महीने में 3 रिवीजन चाहिए सर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अब 3 रिवीजन करने के लिए सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी हालत में मेरा पहला कंप्लीट हो जाना चाहिए, फर्स्ट रिविजन। अब मैं उसके लिए अपने आर्ट्स कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, कैसे मेरे को करना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ना है, बट अकाउंट के लिए मैं बोलूंगा कि कम से कम 3 से 4 घंटे का समय तो दिन भर में देना ही देना सेल्फ है स्टडी का। सेल्फ स्टडी का। जब ये कंप्लीट हो जाता है इनका फर्स्ट रिविजन, तो फिर दूसरा रिविजन के लिए मेरे पास रहते हैं 25 दिन, ठीक है 25 डेज में आराम से दूसरा रिविजन कर लें, और ठीक बचे है, हुए 10 डेज जो है वो फास्ट रिविजन जो होता है वो एक रिविजन कर लें, तीन रिविजन तीन मतलब होना रिविजन हो जरूरी जाएंगे है। बच्चों के। इसके अलावा हम लोग जो हमारी तरफ से हेल्प करने वाले हैं, वो हमारी हेल्प ये है कि मॉक टेस्ट हमारे जो प्लान है नवंबर और दिसंबर में, वो तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा हम 1 शॉर्ट वीडियोस रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक टॉपिक का एक वीडियो, जो 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज कैसे कर सकते हैं, फास्ट रिविजन कैसे कर सकते हैं, तो वो सारे वीडियोस हमारे रहेंगे जो आप अपनी यूट्यूब ये चैनल बहुत से मिल यूजफुल सकते हैं। होगा बच्चों, में बताना चाहूंगा आपको। 1 शॉट वीडियोस मतलब एक बार में एक चैप्टर खत्म,
फिर वो टीचर को अपने हिसाब से डिसाइड करके 1 घंटा या 3 घंटा या 2 घंटा तो ये जरूर देखिएगा जो हम आपके लिए सीए इंटर में भी लेकर आएंगे। और प्लस एक मैराथन रिविजन्स, इसके अंदर हम 1 डे के अंदर पूरा एडवांस अकाउंट इनको रिविजन्स करवाएंगे। तो वो दिसंबर में सभी सब्जेक्ट्स के अंदर करेंगे। और फिर मॉक टेस्ट तो हो ही रहे हैं हमारे दोनों, तो अभी जो इन्होंने पढ़ाई की है उसका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जब इनका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो इनका सेकंड मॉक टेस्ट होगा। तो सारी डिटेल्स बच्चा कहां से ले, सारी डिटेल अपन अपना जो वीडियो है इसे में नीचे अपन डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स डाल देंगे, हम आपको नंबर्स दे देंगे जहां पर आप कॉन्टेक्ट करके, जो बच्चे पेस के हैं उनके लिए तो है ही, जो नहीं भी है पेस के, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कहीं और से पढ़ रहे हैं, अगर वो चाहें तो भी हमारे रिविजन वन शॉट्स और मॉक टेस्ट का फायदा ले सकते हैं। तो अब सर हम चलते हैं लॉ पर। ड्रेडफुल तो ये सब्जेक्ट पहले से रहा है, पर आपकी कुछ तरकीबें हैं और आपके चार्ट्स हैं जिससे आप बहुत इजी कर देते हैं। तो दोस्तों लॉ के लिए अब विजय सर कैसे पढ़ना है अब आप बताइए सर। बच्चों अगर आप लोगों को लॉ के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं, 60+ मार्क्स लाने हैं, तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा। किस तरीके से पढ़ा जाए, सबसे पहले आप लोग को अपने मन से डर भगाना है कि सर लो बहुत टफ है। लो सबसे पहले बताऊं बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको प्लानिंग के साथ रीड करेंगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। वो कैसे पढ़ना चाहिए सीए इंटर में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और 10, जैसे मैनेजमेंट, डिविडेंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट, पहले आप वो चैप्टर उठाएं। देन आफ्टर आप एलएलपी वाला चैप्टर उठाएं और उसके बाद अदर लॉस को ले, इसके बाद जो आपके रिमेनिंग चैप्टर बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको दीजिए। ये मैंने सीक्वेंस कैसे बताया, नंबर के वाइज अपना इंस्टीट्यूट इनमें हाईएस्ट नंबर से आपको मैनेजमेंट, डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट से हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चंस पूछता है। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा कि हमारे हाईएस्ट मार्क्स आ सके और हमको बाकी सब्जेक्ट्स में भी सपोर्ट मिल सके इन नंबरों से। तो आप लोगों को सबसे पहले जो अपन ने क्लास में फ्लो चार्ट बनाए हैं जो 1 पेजेस में है, जिसमें पूरा चैप्टर कवर है, जिसको अपन इजीली 15-20 मिनट्स में पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, पहले आप वो फ्लो चार्ट देखिए। फ्लो चार्ट पढ़ने के बाद फिर आप मॉड्यूल पढ़िए और मॉड्यूल के बाद उसके आईएमपी क्वेश्चंस डिस्कस करिए। इस तरह से अपन को सारे चैप्टर्स के सीक्वेंस में करना है, डेफिनेटली अपन हाईएस्ट मार्क्स लाएंगे। अपना प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, आप इस तरह से आज से ही स्टार्ट करिए और आपका टारगेट रहना चाहिए कि 15 नवंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए एक बार, फिर आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए 10 दिसंबर तक दूसरा रिवीजन, फिर उसके बाद आपका तीसरा रिवीजन चलता रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट पूरा रिवाइज होता रहेगा और आप डेली पढ़े, डेली के आपके 3 घंटे निकालने हैं जिसमें आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बेटा ध्यान रखना, पढ़ते तो अपन 6 महीने हैं, वहां पे अपन को लिखना है पढ़ना नहीं है। right. तो आप लिखोगे तो अच्छे नंबर लाओगे, तो 2 घंटे रोज और 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस, और क्वेश्चन भी केस स्टडी का लिखना है, ऐसे नहीं कि राइट अ शॉर्ट नोट को लिखने बैठ गए, तो केस स्टडी को लिखना है। इस तरह से अपन को क्या करनी है मेरे बच्चे, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेटली अपना अच्छा रिजल्ट आएगा और हाईएस्ट मार्क्स लाएंगे। हाँ दूसरी चीज, जैसा कि सर ने बताया, हम लोग एक एक चैप्टर का शॉर्ट वीडियो भी बनाने वाले हैं जिसमें 1 घंटे या 2 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे ऑन एन एवरेज 15 लेक्चर में आपका लो कंप्लीट हो जाएगा मेरे बच्चे। उसके बाद अब हम मैराथन भी लेंगे, फिर उसमें आपका पूरा सिलेबस एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा मेरे बच्चे, और साथ ही साथ हम मॉक टेस्ट भी लेते रहेंगे बेटा। मॉक टेस्ट छोड़ना मत बेटा, क्योंकि वहीं से आपकी टेस्टिंग होगी। जैसे आपका तो सीए इंटर में एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट, ये टेस्ट लेना आपका ऑडिट है मेरे बच्चे कि आप कहां तक पहुंचे हैं अभी तक। right. तो इसको अगर आप करेंगे तो 60+ तो मतलब कोई बोल भी नहीं सकता नहीं आए, कंफर्म आएंगे आपके। और मॉड्यूल की लैंग्वेज विजय सर लिखना बहुत जरूरी होता है क्या, ये बहुत बड़ा बच्चों के मन में दुविधा रहती है हमेशा, ये सबसे बड़ा रहता है। तो मेरे बच्चे अगर आप मॉड्यूल की लैंग्वेज याद कर पा रहे हैं तो वेल इनफ, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, हर लैंग्वेज के मैंने क्लास के अंदर अंडरलाइन करवाया कि कीवर्ड्स भी अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे तो वो मॉड्यूल की लैंग्वेज बन जाती है। मैंने कीवर्ड्स हर चैप्टर के लिखवा रखे हैं, इवन हर पैराग्राफ के, कि इस पैराग्राफ में ये वर्ड तो होना ही चाहिए। तो उससे क्या होता है, खुद की लैंग्वेज भी लिखते हो और वो कीवर्ड जोड़ दिए तो आपका वो टेक्निकल पैराग्राफ बन जाता है और वो बुकिश लैंग्वेज ही बनती है। एक बात और बताना चाहूंगा बेटा, आईसीआई के वेबसाइट पे बहुत कॉन्टेंट है, आप जाके देखिए, वहां पर एमसीक्यूज है
जहां पर अपन जाते हैं ना, तो हाँ वहां पर एमसीक्यूज है, वहां पर भी आपको जाकर रेफरेंस के लिए सजेस्टेड आंसर्स मिलेंगे, तो अपन देखें आईसीआई किस तरह के आंसर अपने से एक्सपेक्ट करता है। शॉर्ट चार्ट्स भी है ना, बहुत मटेरियल है सर, वर्ल्ड का इतना बड़ा करस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो उन्होंने काफी, तो हमको वेबसाइट जरूर बेटा देखना आईसीआई की, वहां एमसीक्यू सजेस्टेड आंसर एमटीपी आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, तो इंस्टीट्यूट खुद बता रहा है कि इस आंसर को कैसे लिखना है, तो वहां से अपने को हेल्प मिलेगी। अब अपन चलते हैं भाई टैक्स, सर टैक्स के नाम जरूर लगता है पर मुझे भरोसा है कि सीए विवेक मेहता सर पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं और हर लेवल पर उन्होंने टैक्स की धज्जियां बिखेरी है। वी फील वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू हैव सर विद अस। तो जानते हैं टैक्स में डीटी आईडीटी ओवरऑल क्या करना चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल सीए विवेक मेहता सर फॉर टैक्स, बोलिए सर। सर देखिए टैक्स में दो सब्जेक्ट होते हैं, डीडी और आईडीडी। यस, डीडी अपन जानती है 50 मार्क्स का है और आईडीडी 50 मार्क्स का है। अच्छी बात यह है कि 100 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, तो बच्चा पास तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अब बात करें 70 मार्क्स की, तो ओवरऑल एक बात देखें, पहले हम डीटी को देखें, तो डीटी में आपके 5 हेड्स आते हैं और 5 हेड्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी 50 मार्क्स के पेपर में 35 मार्क का तो सर हेड्स ही रहता है, 35 मार्क्स का। तो सर ऐसा है कि यदि बच्चा वो हेड्स को कर ले, बिजनेस प्रोविजन, कैपिटल गेन, सैलरी, एचपी, अदर सोर्स, तो ये 35 मार्क्स में आराम से वो 30 तो ला ही सकता है। बहुत अच्छे दोस्त, कॉपी पेन लेके नोट कर लो आप तो, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट अभी क्या कर रहे हैं, लास्ट 6 अटेम्प्ट से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बिजनेस प्रोविजन का दे रहा है। तो एक तो पॉकेट में ये चला गया, दूसरा सैलरी चैप्टर का 10 मार्क का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, 5-5 मार्क्स के एचपी और अदर सोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो सर यहीं पे अपना कवरेज हो गया। यदि बच्चा शिद्दत से 20 दिन ये हेड्स में लगा देता है तो उसके 35 मार्क कहीं नहीं है। तो स्टार्ट हेड से करें, हेड से करें, ठीक है। तो ऐसा प्लान बताइए सर, तो ये 5 हेड से शुरू करें। जब हेड्स हो जाए तो सर सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शन, रिटर्न फाइलिंग और टीडीएस, ये चैप्टर्स आपके मात्र 7-8 दिन लेंगे, क्योंकि एक एक दिन का एक चैप्टर हो जाएगा। बढ़िया, यानी पूरा डीटी देखें तो लगभग 27 डेज में खत्म हो सकता है। वाह। लेकिन यदि आप पर डे 3 आवर्स देते हैं तो 3 आवर्स के हिसाब से तो डीटी आपका 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम एक ऐसा स्ट्रेटेजी लेके चले, इस तरह से रहेगा। बहुत अच्छा। अच्छी बात ये कि डीटी अपन जो अपने बुक से करवा रहे हैं, जो अपन अपने पेस के बुक से करवा रहे हैं, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, तो इसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और आरटीपी एमटीपी सर ने बोला ही है, ठीक है, करने के लिए। और जैसा कि सर ने बोला कि हम वीडियो बनाएंगे, तो मैं भी अब बस स्टार्ट ही करने वाला हूँ, शॉर्ट वीडियोस, वन शॉर्ट में, वन शॉर्ट में एक एक चैप्टर, एक दिन में एक एक चैप्टर। बड़ी मजेदार बात यह है कि 5 हेड्स के जो चैप्टर्स हैं, जो इतना टाइम खाते हैं, हम उसको सम अप 8-9 आवर्स में कर देंगे। बहुत ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, बहुत बढ़िया। फिर हम आते हैं आईडीटी में। आईडीटी में बच्चा यदि 3 टॉपिक ही अच्छा कर ले, रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, सप्लाई, तो इसी में बच्चे का कवरेज हो गया। क्योंकि सर सप्लाई ऐसा है कि पास हुआ जा सकता है आराम से, बड़ा स्कोर भी लाता है, बड़ा स्कोर भी। पेरिटो प्रिंसिपल बड़ा था ना बेटा, अपन ने डिस्कस करते थे, 80% आउटकम मिलता है 20% सही जगह पर एफर्ट डालने से। तो ये वो पेरिटो प्रिंसिपल पे ये टीचर्स आपसे बात कर रहे हैं। सर एक मेरे मन में सवाल था, एमसीक्यू डिफिकल्ट आते हैं, इतना आसान हलवा नहीं होता है, वो एमसीक्यू का क्या करना चाहिए, मतलब उसको एमसीक्यू को आसान। सर एमसीक्यू के लिए हम शीट देंगे, विनय सर ने दे दिए, विजय सर ने भी दे दिए, मैं देने वाला हूँ। शुरू में एमसीक्यू करें कि ना करें? शुरू में सर पूरा पढ़ने के बाद ही करना चाहिए, पूरा पढ़ने के बाद ही है ना, शुरू में ना करें, क्योंकि उलझ जाएगा बच्चा। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर, यस 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 यस, तो बच्चा उलझ जाएगा, वो एक तरह का बेट है ना, कांटा लगा के रखा है कि आप उसमें जाओ और आप उलझो, पहले अपने को जो आता है वो बटोर लो और फिर उसके बाद अपन एमसीक्यू को जाओ। बहुत अच्छे। और सर इसके अलावा कोई फाइनल अगर आपको रिमार्क लगता है कि ऐसा कर लिया जाए? सर बस हम सब मैराथन लगा ही रहे हैं फर्स्ट ग्रुप का, सबसे पहले सर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक से करवाएंगे, मैराथन आ जाएंगे और सर मॉक टेस्ट सीरीज, और वन शॉट, वन शॉट बस। तो बच्चों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये यूट्यूब पर फ्री सबके लिए अवेलेबल होगा। भारी मात्रा में आकर आयोजन को सफल बनाए बेटा और खुद को भी। चलो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, टेक केयर, बाय बाय।